देखिए कितनी स्टीप जगह से गाड़ी निकल रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे कार के अंदर से। एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे नए निसान मैगनाइट का जो सीट कवर्स और जो मैट है वो मैंने ऑर्डर बहुत पहले ही करके रखा था, वो बहुत दिन से आके पड़ा हुआ है कार स्टाइलों में। तो बेचारा बहुत दिन से फोन करके बोल रहा है भैया आ जाओ लगा लो, मेरा तो टाइम ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए आज प्लान बना करके मैं जा रहा हूँ उसको लगाने। ऊपर से और एक काम भी होने वाला है, लक बाई चांस हम लोग निकलने वाले थे तभी ऑटो वाले निशान से फोन आया कि आपका ब्लू बुक जो है कार का वो भी आ गया है, तो लगे हाथ वो भी आज कलेक्ट कर लेंगे। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि ऑटो वाले निशान जाएंगे क्योंकि सीट कवर्स और जो मैट है वो लगाने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा और निशान जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले सोच रहे जाएंगे ऑटो रैली, उसके बाद हम लोग जाएंगे लगाने मैट और सीट कवर्स विद द कार स्टाइलो। तो यह सब काम करने से पहले मो एक जगह पर आई है, एक्चुअली उसे चाहिए एक मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रख करके पीने वाला है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और हेल्दी भी रहता है। फ्रिज का पानी गर्मी में पीना हेल्दी नहीं होता है, तो इसीलिए मो बोल रही थी कि मिट्टी के घड़े में पानी पीना बहुत हेल्दी भी होता है और ठंडा भी रहता है। एक्चुअली शी हैज सीन दिस इन द व्लॉग ऑफ मिस्टर गौरव तनेजा द फ्लाइंग बीस्ट। ये चीज हमें बहुत पहले से ही पता था पर जब उनके व्लॉग में हमने देखा तो हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो इसीलिए वो आई है एक जगह पर जहाँ पर ये सब घड़ा वड़ा सब मिलता है, तो वो गई है पूछने। मैं कार पे ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो भैया कार पे बैठे हम नहीं रहे, उतर गए हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो भैया बहुत अच्छी अच्छी आर्ट वर्क भी बनी हुई है, बहुत सारे शेप्स में है। ये देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक्चुअली ये घड़ा नहीं है, ये टब है जिसमें फ्लावर्स वगैरह रखा जाता है, बहुत काम में आता है ये सब चीज। मिट्टी का बहुत सारा बर्तन है, वो देखो वहाँ पे पानी का बॉटल भी है, ग्लासेस है, कॉइन बैंक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो भैया भरा पड़ा हुआ है इधर। तो ये जो टैप है वो अभी भैया यहाँ पे लगा करके दिए हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि पानी निकालने में आसानी हो। कितनी बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया चीज है, मिट्टी से बना हुआ, ये अंदर ही बनता है। पर एक चीज है भैया, इससे कार गंदा हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले तो झिझक रहा था कि लेंगे कि नहीं, पर चलो आए हैं इतने दूर तो लेकर के जाते हैं, तो शायद कुछ पैकिंग वैकिंग करके देंगे, देखते हैं क्या होता है। पेपर टेपर है कि मुड़े दवा जाए। তো কার দেখো, কার কো মে জবি ভি দেখতা হু তো মে দেখতা হি রহতা হু, বহুত বড়িয়া লাগতা হু মুঝে ভাই, আপনি কার হ্যায় ইসিলিয়ে নাহি বোল রাহা হু, বহুত বড়িয়া লাগতা হ্যায় ইসিলিয়ে খরিদে হ্যায় ইয়ে ওয়ালা। भैया हमने जो मटका है वो हमने ले लिया है, तो ये रहा यहाँ पे सेट कर दिया है हमने मो का सीट जो है वो थोड़ा सा पीछे करके, और ऊपर से भैया ने पेपर दिया है ताकि कार गंदा ना हो। तो भैया अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से सीधा ऑटो रैली निशान कल्याणी। गौरव भाई ने जो घड़ा ये लिया था मटका वो कितने रुपए का लिया था? 350। पता है हमने कितने रुपए में लिया? सिर्फ 150 रुपए। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोच के रखा था कि 250 रुपए के करीब होगा, बट 150 रुपए में मिल गया, बहुत बढ़िया। इससे भी छोटा था वो, 120 और 100 रुपए बोल रहे थे। नहीं गौरव भाई ने जो लिया था उसका साइज कैसा था? ऐसा ही था। तो भैया आ गए हैं ऑटो रैली निशान, हमारा जो ब्लू बुक है वो कलेक्ट करेंगे हम लोग। এসে গেছে, ভালো আছেন? রেড কালারটা খারাপ লাগবে না, ভালোই লাগবে। এটা কি ডেলিভারি আছে নাকি? না এমনি ডেমো। তো ভাইয়া ইয়ে হ্যাঁ রেড কালার যো কি মানে লেনা চা রাহা থা পর অ্যাভেলেবল থা নেই তব। ইয়ে নন টার্বো। আচ্ছা তো ইয়ে অ্যাকচুয়ালি নন টার্বো হ্যায়, নন টার্বো মুঝে নেই চাহিয়ে থা, মুঝে টার্বোই চাহিয়ে থা। টার্বো ইস কালার মে টাইম লাগেগা আনে মে, বতাইয়ে আপ লোগো কো।
तो ये आ गया हमारा जो ब्लू बुक है, पहले चेक कर लेते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। भैया यहाँ पे हमारा हो गया काम खत्म, अभी हम लोग जाएंगे कार स्टाइलो। ये जो हमें ब्लू बुक मिला है वो एक्चुअली है नंबर होने के पहले का ब्लू बुक। नंबर होने के बाद मुझे बोला गया कि एक दो फोटो भेजने के लिए, तो फोटो जब हम लोग भेज देंगे उनको तो एक और नया ब्लू बुक आएगा जो कि होगा फाइनल ब्लू बुक। तो ये फाइनल ब्लू बुक नहीं है, वो हमें मिलेगा कुछ दिन बाद, तो वेट करते हैं कब तक मिलता है देखते हैं। और अभी जाएंगे हम लोग कार स्टाइलो। तो यह घड़ा जो है उसको हमने सेफली रख दिया है यहाँ पर, और ये है कार स्टाइलो। हम लोग रुके हैं यहाँ पे, ये पेपर को अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि अगर किसी को नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फरीद थोड़ा सा कहीं गया है तो आने वाला है, फरीद का भैया जो है वो है यहाँ पे चाबी। तो भैया अभी कार को घुमा के ठीक से सेट करेंगे, काम चालू होगा अभी के अभी। तो भैया ये है फरीद, फरीद आ गया है, और ये रहा हमारा सीट कवर, ये कस्टम मेड सीट कवर है। अभी लाइट तो यहाँ पे उतना ज्यादा है नहीं, अब इसका डिटेल बाद में बताऊंगा, एक बार लग जाए उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। ये पूरा बकेट फिट रहेगा। फरीद मैट का है, मैट ये भी 70 मैट है बलेनो का, और ये है हमारा मैट। तो भैया ये जो मैट है वो है ऑटो फर्निश का, ये देखो ब्लैक ही हमने ऑर्डर किया था। एक्चुअली आई वॉन्टेड के ये जो स्टिचिंग है वो थोड़ा सा रेड कलर में होता तो बहुत बढ़िया रहता, रेड कलर में भी आता है, उसका जो क्वालिटी है थोड़ा सा नीचे रहता है, ये ऊपर का क्वालिटी है। तो मैट तो दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, फिटिंग होने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। यहाँ पे सीट जो है वो अभी खोला जा रहा है, ये रहा यहाँ का जो नेकरेस्ट है ये तो उधर गया है, ड्राइवर सीट निकल गया है, ये भी निकल रहा है। तो काम तो भैया जोरों शोरों से चल रही है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आई सपोज। तो आज जो है हम लोग लगाएंगे सीट कवर, उसके बाद 70 मैट और नंबर प्लेट्स। अभी नंबर प्लेट्स बहुत दिन पहले ही आ गया था, अभी हमने नहीं लगाया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि फ्रेम के साथ लगाएंगे, तो एक बारी में लगाएंगे तो इसीलिए कुछ दिन रुक गया। फरीद ने फटाफट से उसको ऑर्डर करके फ्रेम लाया है। तो ये है मैट, अच्छा ये जो मैट है क्वालिटी इसका नीचे का है, और ये है अच्छा वाला, देखने से पता चल रहा है, शायद कैमरे में उतना पता नहीं चलेगा पर सामने से दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे काम चालू है, पीछे का सीट भी उतर गया है, ये वाला जो है अभी उतरना बाकी है, और मो वो रही बैठी हुई है, अकेले अकेले बैठी है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कार स्टाइलो जो है वो एक्चुअली है कल्याणी नेक्सा शोरूम के बिल्कुल बाजू में। तो ये रहा कार स्टाइलो और ये रहा नेक्सा, और यहाँ पे सामने ही है मारुति एरिना। तो ये रहा मैट्स, 70 मैट्स जो कि इंस्टॉल किया जा रहा है, फरीद खुद कर रहा है। पहले फ्लोर जो है उसको साफ किया गया था, ये रहा वैक्यूम क्लीनर, पीछे अभी भी साफ करना बाकी है। तो यहाँ पे मैट्स लगाया जा रहा है, और यहाँ पे नंबर प्लेट का इंस्टॉलेशन चालू है, और इधर सीट कवर्स भी लगाया जा रहा है। तो काम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड चल रहा है। तो ये रहा पीछे का नंबर प्लेट, ये लग गया है पूरी तरीके से, और अभी सामने वाला नंबर प्लेट लगा रहे हैं, फ्रेम तो लगा दिया है। 2000 years later कार छोड़ के अभी और इसका स्कूटर लेकर के अभी हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खाएंगे क्योंकि टाइम अभी बहुत हो गया है। लोग आए थे करीब 4 बजे और अभी लगभग 7 के करीब बज रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी टाइम लगेगा। तो भैया कुछ स्नैक्स लेने आए हैं ढाकेश्वरी, हम लोग ले रहे हैं समोसे, यहाँ पर फ्रेशली बन रहा है समोसे पकौड़े। तो ये जो दुकान है वो कल्याणी में ही है, ये है ढाकेश्वरी स्वीट। तो ये है फरीद का स्कूटर, अभी फरीद बोला कि लेकर के जाओ भैया, तो आ गए लेकर के। हाँ तो भैया दिस इज द नेक्स्ट डे, कल रात को काम खत्म होते होते बज गया था 10:30, और तब आपको फाइनल आउटकम दिखा करके कोई फायदा था नहीं क्योंकि रात के अंधेरे में शायद आपको कुछ ठीक से दिखता भी नहीं। तो इसीलिए आज इन द ब्रॉड डे लाइट मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी पेशकश इन 120 FPS।
तो भैया आज के ब्लॉग में जो कुछ भी था यही तक था, ब्लॉग को यही तक रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉर्थ। ये जो कार्यक्रम आपने देखा अभी जो हुआ है, वो एक्चुअली हुआ है मच्छर मारने का काम।